हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक हेयर ऑयल लेके आई हूँ जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव और हेयर ऑयल है। ये बालों को बहुत तेज़ी से लंबा, घना और मजबूत बनाता है। ये ऑयल आपके बालों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आप एक महीने इस ऑयल का रेगुलर यूज कर लेंगे, आपके बाल बहुत तेज़ी से लंबे होंगे। DIY में थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर आप लोग एक बार दो बार यूज करने के बाद छोड़ दो तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये केमिकल फ्री होता है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं लगे होते हैं। तो घरेलू चीज़ें आपको थोड़ा सा धीरे धीरे असर करती है, लेकिन असर ज़रूर करती है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, डैंड्रफ की समस्या है, तो ये हेयर ऑयल आपके सारी समस्याओं को दूर करेगा। आपको ये हेयर ऑयल बनाना कैसे है? आपको एलोवेरा लेना है और उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेना है। एलोवेरा पता ही है आपके बालों के लिए कितना ही अच्छा है। ये आपके स्कैल्प में डैंड्रफ की समस्या को दूर करता है, बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है, बालों को लंबा और घना करता है। 2 चम्मच आपको मेथी दाना लेना है। मेथी तो पता ही है आपके बालों के लिए कितना ही अच्छा है। आपके बालों में ग्रोथ होता है, मेथी से आपके बाल बड़े लंबे होते हैं, लंबे घने और मजबूत होते हैं। फिर आपको 15 से 20 काले मिर्च लेना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों में बाल रूखे और बेजान से हैं, अगर आप अपने बालों को बाल रूखे और बेजान से हैं, तो ये आपके बालों को सिल्की शाइनी और स्मूथ बनाने का काम करता है। आप ये हेयर ऑयल आपको बनाना कैसे है? आपको ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेनी है और एक कांच के बॉटल में डाल देनी है। उसमें आपको 1 से 1.5 कटोरी सरसों का तेल डालना है, मस्टर्ड ऑयल। अगर आपके पास सरसों का ऑयल नहीं है तो आप जो भी ऑयल यूज करते हो, जैसे कोकोनट ऑयल, कस्टर्ड ऑयल। मैं अधिकतर अपने सारे इंग्रेडिएंट में सरसों का तेल ही यूज करती हूँ। तो आपको सरसों का तेल डालना है। इसको आप 4 से 5 दिन तक धूप में ऐसे बीच बीच में आप इसको हिलाते रहें। 5वें दिन आप देखेंगे कि आपका ऑयल बन के रेडी हो जाएगा और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। उसके बाद आप 5वें दिन आप इस तेल को एक कटोरी में निकाल लें और आप डबल बॉयलर मेथड से तेल को हल्का गुनगुना कर लें। जब भी आपको बालों में लगाना हो, आप इसको हल्का गुनगुना कर लें। उसके बाद अपने बालों में रात में मसाज करें और ओवरनाइट इसको लगा रहने दें। अगर आपके पास ओवरनाइट लगाने का टाइम नहीं है, तो आप बाल धोने से 2 घंटे पहले अपने बालों में लगाएं, उसके बाद शैम्पू कर लें। हफ्ते में 2 बार यूज करें, आप देखेंगे कि आपके बालों में आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। तो आप लोग ये हेयर ऑयल ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।